दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन की दुनिया में दीपिका में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बिरयानी, एकदम बढ़िया खिला खिले चावल की बहुत ही टेस्टी बिरयानी, जो आप खाएंगे, आपके परिवार वाले खाएंगे, मेहमान खाएंगे, जो भी खाएगा बस तारीफ ही करेगा। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बनी हुई है बिरयानी, एक एक दाना अलग। चलिए आइए दोस्तों, पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं क्या क्या इसमें लगेगा। इससे पहले आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने आधा किलो पनीर ले लिया है और ये आधा किलो बासमती चावल है बिरयानी वाला। ये सूखे मसाले हैं जो बिरयानी में डालेंगे। ये मैंने काजू ले लिया है, ऑप्शनल है, बिल्कुल आप चाहे तो ले या ना ले। ये चार छोटी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी है जिसे चावल में डालना है। ये फ्रोजन मटर है एक कटोरी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये घी है। ये फूड कलर है और ये प्याज है जिसे मैं फ्राई कर लेना है। और ये टमाटर है और नींबू। ये आगे हम बताएंगे इसका यूज़ कैसे करना है आपको। ये देखिए, ये वेज बिरयानी मसाला है, मैंने सुहाना का लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने चावल को वॉश कर लिया है 2-3 बार और इसे हमें 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। चलिए दोस्तों, 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चावल बना लेते हैं। दोस्तों, मेजरमेंट के हिसाब से अगर एक कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी पानी रहेगा तो ही चावल बहुत अच्छा खिला खिला बनेगा। देखिए दोस्तों, पानी मैंने ले लिया है। देखिए, थोड़ा सा ही चावल से एकदम जरा सा ऊपर है। अब हम इसमें तेज पत्ता और वो हरी इलायची और दालचीनी डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे। चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही अलग अलग खिले खिले बनेंगे। कुकर को बंद करके सिर्फ एक सीटी लगा देनी है। चलिए दोस्तों, आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम करके हमें जीरा डाल देना है। जब चटकने लगे तब इसमें हमें प्याज डाल देना है। प्याज को ब्राउन होने तक हमें भूनना है अच्छे से। जब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आने लगता है तब ये समझ जाइए कि प्याज हो गया है। ज़्यादा जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। ये देखिए दोस्तों, ब्राउन कलर हल्का हल्का सा आ गया है, कलर चेंज हो गया। अब इसमें हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अच्छे से चला लेंगे इसका कच्चापन निकल जाने तक। चलिए अब मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे जब तक तेल मसालों के ऊपर ना आ जाए। देखिए दोस्तों, मसाला पूरी तरह भून गया है। अभी इसमें टमाटर ऐड कर देंगे कटे हुए। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं।
देखिए दोस्तों, मसाला बिल्कुल भूनकर एकदम रेडी हो गया है, अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें जो हरी मटर थी फ्रोजन वो डाल देंगे। ये ग्रीन वैली वाली मटर भी बोली जाती है। मैंने इसमें काजू डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने डाल दिया है इसमें। इसे ढककर कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए पकने देना है हमें। देखिए दोस्तों, मटर भी पक गई है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला पहले से थोड़ा सा भुना हुआ होता है, इसलिए पहले मसालों के साथ मैंने नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी मसालों को और मटर वगैरह सबको। अब हम फ्राई किए हुए पनीर को भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पनीर को पकाना तो है नहीं बहुत ज़्यादा। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से ये अब सब्जी रेडी है। अब हम इसमें जो है धनिया की पत्ती ऊपर से डाल के बस इसको थोड़ा सा चला देंगे। सब्जी बनके रेडी है। हमें इसे आधी सब्जी को निकाल लेना है एक किसी बर्तन में, क्योंकि हमें दो लेयर में बिरयानी को की परत लगानी है, इसलिए आधी सब्जी निकाल लीजिए। अगर आपको थोड़ी बिरयानी बनानी हो तो आप एक परत में भी इसको बना सकते हैं। अब हमें इसमें चावल की परत बिछानी है, पतली पतली सी को हर तरफ से बराबर फैलाते हुए चावल की परत को लगाइए। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से अच्छे से हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा सजा लेंगे। हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती हो तो पुदीने की पत्ती भी आप डाल दीजिएगा। में जितनी ज़्यादा धनिया की पत्ती और पुदीने की पत्ती पड़ती है उतनी ही अच्छी लगती देखने में। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी हर तरफ डाल लेंगे, जिससे चावल में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और खिले खिले से चावल लगेंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। थोड़ा सा फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, जो आपको देखने में लगता है ना कभी कभी पीले, थोड़े से पीले चावल, थोड़े से वाइट चावल, वो इसी तरह से होते हैं। बहुत लोग केसर भी डालते हैं,
दूध में ऐड करके आप चाहे तो केसर डाल लीजिए या फिर फूड कलर डाल लीजिए। थोड़ा सा 2-3 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक परत लग गई है। अब हम इसमें ऊपर से फिर से सब्जी डाल देंगे। हर तरफ से बराबर सब्जी फैला लीजिएगा, डाल दीजिएगा इसके ऊपर। अब हमें दूसरी परत चावल की लगानी है। जैसे पहले चावल लगाए थे जिस तरह से, उसी तरह से हमें फिर से चावल की एक परत लगानी है। देखिए दोस्तों, ये दूसरी परत भी लग के तैयार हो गई है। अब हम फ्राई किए हुए प्याज इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं बिरयानी में। इसके बाद से फिर वही हरी मिर्च, धनिया की पत्ती उसी तरह से सजा लेना है जैसे पहले हमने सजाया था। फ्रेंड्स, फिर से हमें सेम प्रोसेस घी, फूड कलर और नींबू का रस उसी तरह से डाल लेना है जैसे हमने पहले डाला था। फ्रेंड्स, अब हमें ढककर 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे पकने देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हम आटे की लोई से इसको लॉक कर रहे हैं। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये आटे की लोई से जो लॉक किया जाता है बहुत ही अच्छा रहता है इससे। देखिए दोस्तों, बिरयानी बनके रेडी है। 20 मिनट हो चुके हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा कलर, इतनी अच्छी देखने में लग रही है कि क्या बताएं आपको। इसको बीच से मत निकालिएगा, किनारे से जैसे केक कट किया जाता है उसी तरह से धीरे से निकालिएगा, जिससे सब्जियां और चावल सब बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आएगा। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बिरयानी लग रही, कितनी टेस्टी, कितनी अच्छी। मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।